जब हम वो टास्क कर रहे थे, हम सब अंताक्षरी खेल रहे थे, और वो भी पुराने गाने की, तो वो बहुत मस्त थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगती थी। अच्छा नहीं लगती हूँ, पर मेरा सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं बीमार हो गई कुछ दिन पहले, आई थिंक ट्यूसडे में बीमार हो गई, एंड उसकी वजह से आई थिंक डॉक्टर ने मुझे शायद गलत दवाई दिया था, या कम खाने की वजह से मैंने ठीक नहीं होगी, और अच्छा आराम नहीं मिली तो इसलिए मैं ठीक नहीं हो गई। तो सबसे बुरा चीज़ मुझे लगती है कि मैं बीमार हो गई, आई थिंक इसकी वजह से मैंने एलिमिनेट हो गई। आई थिंक पहले सीजन्स में सब 15 लोगों के साथ रहते थे एक अच्छे घर में, और इस सीज़न जैसे आपने देखा दो अलग घर है, एक अच्छा वाला है और एक गरीब वाले है, तो वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो आप लोगों के साथ रह सकते हैं आप उसको ठीक से जानते हैं, और दूसरा लोगों तो ठीक से नहीं जानते। जैसे मैं बहुत कम इंटरेक्शंस थे अनीता जी के साथ और संग्राम के साथ और इवन रजत, और रजत मैं जानती हूँ बॉडीगार्ड से, पर फिर भी जब आप साथ में नहीं रह सकते सो यू डोंट रियली गेट टू नो एनीवन। हाँ, अगर मैं जन्नत में रहती थी आई थिंक मैं बीमार नहीं होगी। कभी कभी हम जहनुम में पीने का पानी नहीं मिला, ठंडा पानी नहीं मिला नहाने के लिए, और वैसे भी बहुत धूल थे हमारे घर में, जितना भी हमारे साफ सफाई किया है फिर भी बहुत गंदे थे, चिड़ियाँ थे। सो वो लिविंग कंडीशंस हम तो बिल्कुल नहीं यूज थे, फिर भी हम तो एडजस्टमेंट्स किया है, और हम कभी एक सेकंड के लिए सोचा कि ये हमको बुरा लगते हैं, तो कभी नेगेटिव चीज़ सोचते थे हम, सिर्फ भूख की वजह से बहुत मुश्किल थे, और सब जन्नत वाले हमारे खाने के लिए हमने डिपेंड किया है, तो वो थोड़ा मुश्किल थे कि हम खुद से खाने में नहीं बना सकते। मुझे बहुत अच्छा लगती रतन को, वो बहुत शांति लड़की है, बहुत बिहारी वाली है, और मैं भी थोड़ा, मेरा फैमिली भी बिहारी है, तो हम बहुत इन कॉमन चीज़ थे। वो बहुत एथनिक है, बहुत मेडिटेशन करती है, बहुत शांति, बहुत स्वीट, बहुत सीधी सादी लड़की है। एली भी मैं अच्छा लगती थी, पर इन दिनों हम ज़्यादा से बात कर रहे थे। वो अरमान का लफड़ा होने के बाद जब वो रो रही थी, उस समय में मैंने असली अली देखी। उसके पहले मैं सोची थी कि वो सिर्फ कैमरास के लिए परफॉर्मिंग कर रही थी, नाच रहे थे, योगा ये सब कर रहे थे, पर लफड़ा होने के बाद जब वो रो रही थी, मैंने अच्छे से बात किया उसके साथ, तो मैंने देखा वो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे अरमान बहुत अच्छा लगती हूँ। अरमान वैसे भी कामयाब है, बहुत सीधी सादा आदमी है, जो सोचते हैं वो कहेंगे, वो दूसरा ulterior motives है नहीं, और उसका motivation, उसका encouragement और उसका loyalty मुझे बहुत अच्छा लगती है। संग्राम बहुत स्वीट है, बहुत बहुत स्वीट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत headstrong पॉजिटिव है, बहुत ज्ञान है उसके, हम सब के ज्ञान सीख रहे थे वैसे भी हिंदी में और एली को सिखाने। बहुत स्वीट है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा मोटिवेटेड है, वो थोड़ा अरमान के जैसे, सो ही इज़ ऑसम। सलमान इज़ ऑसम, मैं बहुत खुशी हुई कि मैं इसको मिले शो में। काफ़ी टाइम हो गया जब से हमने मिले, वो बिज़ी थे, मैं बिज़ी थी, तो उसको मिलकर हमेशा खुशी हुई। मैं याद करती हूँ कितना टाइम उसके साथ स्पेंड किया था, बॉडीगार्ड का शूटिंग था, कितना मस्ती किया है, कितना फन टाइम्स था। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो बहुत अच्छा लग रहे हैं, उसका हेल्थ थोड़ा ठीक हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी तो उसके लाइफ में सब ठीक हो रहे हैं।